करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है और जो हो रहा है इंडिया के, पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते पे, लेकिन आज भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो आसपास के पड़ोसी मुल्क के साथ वैसे रही। हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट पर। एक का वीडियो सामने आई है अयोध्या रेलवे स्टेशन की, जिसकी आज हम वीडियो दिखाने वाले। हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड अनफैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान को भारत से अलग हुए 75 साल से भी ज्यादा हो चुका है। जब जिन्ना ने पाकिस्तान को भारत से अलग किया, उस वक्त उन्होंने तब के इंडियन मुस्लिम्स को बहुत सपने दिखाए थे। उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान को ऐसे रिप्रेजेंट करा था जैसे कुछ ही समय बाद पाकिस्तान यूएस की जगह ले लेगा। लेकिन कहते हैं ना, सपने दिखाने और देखने से कुछ नहीं होता। इनफैक्ट सच्चाई तो यह है कि जिन्ना को बस एक मालिक बनना था, चाहे ये मौका उन्हें भारत में मिले या फिर एक नया देश बनाकर मिले, क्योंकि भारत में ऑलरेडी इतने सारे लीडर्स थे जिस कारण से उनके लिए इंडिया में प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने सोचा कि एक न्यू कंट्री ही बना लूं, जहां से शुरुआत होती है कहानी पाकिस्तान की। हालांकि पाकिस्तान को और भी लोग बनाना चाहते थे, लेकिन जो पाकिस्तान बनाने की सोच थी और उसका जो इतिहास था, उसका फायदा जिन्ना ने उठाया और बना लिया एक नया देश जहां सिर्फ वो राज कर सके, जहां पे वो अपने हिसाब से राज कर सके। और आज इस एक बचकानी सोच वाले इंसान के कारण पाकिस्तान के 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग मुसीबत में हैं। इन्होंने अपने राज के लिए एक देश तो बना लिया, लेकिन खुद ये काफी दिन तक जिंदा नहीं रह सके और पाकिस्तान बनने के अगले साल ही इनका देहांत हो गया। लेकिन अपने देहांत से पहले पाकिस्तान को चलाने लायक इन्होंने कुछ ऐसा कानून भी नहीं लाया जिसको वहां के नेता और वहां के लोग फॉलो करके पाकिस्तान को आगे बढ़ा सके। और उसके बाद से पाकिस्तान में वही हो रहा है जिसके लिए पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान को एक इंसान ने सिर्फ इसीलिए बना दिया ताकि उसे एक देश का लीडर बनने का मौका मिले। और उस दिन से लेकर अब तक पाकिस्तान आज भी यही फेस कर रहा है। जिन्ना के जाने के बाद से अब तक पाकिस्तान में सिर्फ पावर वार ही चल रहा है। वहां के नेता हो या वहां के फौजी, वो अपनी कुर्सी पे सिर्फ इसीलिए बैठते हैं क्योंकि जो मौका जिन्ना को मिला वही मौका उन्हें भी मिल सके। सो एज यूजुअल पाकिस्तान में एक नेता आता है और राज करता है और चला जाता है, या फिर उसे हटा दिया जाता है, या फिर उसकी कोई कुर्सी छीन लेता है। लेकिन पाकिस्तान देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। वहां के नेता सिर्फ अपनी जेब भरते हैं और उन्हें पाकिस्तान की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, जिसका फल वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में पाकिस्तान की जनता अपने देश को भारत से कंपेयर कर रहा है, जहां एक तरफ उन्हें भारत की तरक्की रास नहीं आ रहा, वहीं दूसरी तरफ भारत की तरक्की को देखकर वो अपने नेता को कोस रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। और अगर आपको भी अपनी कोई बात रखनी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। पाकिस्तान में एक बात बहुत कही जाती है कि अगर पाकिस्तान में क्राइसिस कोई भी आए, चाहे फ्लड आए, चाहे आटे की कमी हो, चाहे फिर इकॉनमी गिरती नजर आए, तो हम यही कहते हैं जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है और जो हो रहा है इंडिया। आज पाकिस्तानी यूथ से बात करेंगे कि क्या 2023 में भी पाकिस्तान की यही सोच है कि जो हो रहा है इंडिया कर रहा है, या जो इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पाकिस्तान की यूथ इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उसामा। आपका नाम? सैयद अवैस। आपका? इत्तेजाज। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स कर रहा हूँ। जबरदस्त, पॉलिटिकल साइंस में, तो फिर तो बड़ी जबरदस्त किस्म की ये गुफ्तगु होगी, मजा आएगा इनसे बात करते हुए। अच्छा, टॉपिक जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यही है, सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं, पाकिस्तान दिन ब दिन जो कंडीशन, जो बुरी कंडीशन में जाता जा रहा है, उसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं, या जो हमें कह दिया जाता है वो जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। क्या इंडिया हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है? क्या इंडिया हमें तबाह करना चाहता है? नहीं, इंडिया का इसमें मसला नहीं है। मेरे ख्याल से कि जिस तरह हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बुनियाद जब हमने रखी है, वही हमने ऐसी बुनियादों पर रखी है जो आज मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चल ही नहीं सकती। 20वीं सदी के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे वो बने हुए हैं, आज तक ना हमने कानून बदले हैं, ना ही उन इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि आप बाहर किसी को इसके लिए आप कहो कि जी वो बंदे ने करवाया है या उसने करवाया है, हमें अपने अंदर आज देखना चाहिए
और अपने इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की कोशिश की। 1947 से अगर स्टार्ट लें हम बात करें, कहाँ पे आके हमने गलतियाँ करनी स्टार्ट की, अगर हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे हम, हिस्ट्री का एक ये क्वेश्चन करते हैं, किधर से पॉइंट आउट करिए कि किस जगह पे जाके, कौन से सन में जाके, कौन से ईयर में हमने मिस्टेक्स करना स्टार्ट की जिसकी वजह से हम इस आज इस कंडीशन। ठीक है, मिस्टेक्स जो हैं वो खास किसी ना ही पॉलिटिकल पार्टी से मिलानी चाहिए हमें, ना ही किसी एक खास बंदे के साथ लिंक करना चाहिए कि जी इस बंदे ने, जैसे अभी एक पॉलिटिकल हम देख रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है कि जी फलां बंदे ने खराबी कर दी या फलां ने। ये हमने शुरू में जो इंस्टीट्यूशंस की बुनियादें रखी, जैसे कि 1947 के अंदर से लेके 58 तक हमारे पास 56 तक कोई आइन नहीं था, आइन तोड़ा गया फिर दोबारा से, या 73 तक जब तक हम गए हैं तब तक हम आइन भी 2 दफ़ा तोड़ चुके थे और उसके बाद अपने मुल्क का एक बड़ा हिस्सा हम गंवा चुके थे। तो उसके बाद हमने सबक सीखने थे कि जी हमने बाकी सूबों को इख्तियार देते हुए अपने आप को कैसे बेहतर करना है। हमने 18वीं तरमीम की, सूबों को राइट्स दिए गए, लेकिन हम उसको भी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सके। आज ये हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में बात चली कि 18वीं तरमीम को वापस करके हमें दोबारा सेंटर की तरफ पावर लेके आनी चाहिए। तो ये वाली आपने ये बोला कि प्रॉब्लम्स किसी भी स्पेसिफिक पार्टी को नहीं हमने मेंशन करना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, सीटो सेंटो का जो इशू था, आपको नहीं लगता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, कहीं कहीं उस सीटो सेंटो से ही हम गलती की तरफ चल गए, हम ग्रुप्स में आ गए और जो दूसरे खासतौर पर इंडिया था उसने न्यूट्रल रहा और उसने रिलेशन नॉन अलायंस रखा और रिलेशन सबके साथ बेहतर रखने की कोशिश की। जी ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ कंपैरिजन मेरे ख्याल से लोग करते भी हैं और आजकल एक बहुत पॉपुलर चीज़ बनी हुई है कि इंडिया आईटी में बहुत ग्रूम कर गया है, हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन क्या कंपैरिजन नहीं करना? नहीं, कंपैरिजन कर सकते हैं आप, किया जा सकता है, लेकिन किसी भी दो बंदों की जब रेस होती है तो स्टार्ट देखना चाहिए कि एक बंदे ने कहाँ से किया और हमने कहाँ से किया। जब बना था पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पास टोटल 2 इंडस्ट्रीज थी, 2 से 4 से 10 कर सकते हैं आप, और उनके पास उस वक्त सतनी थी 10-12, लेकिन अगर हम देखें तो वो 80-90 की तरफ जा चुके थे। तो रेस जो स्टार्ट हुई है उसमें वो आगे थे, उसके अंदर दूसरी बात यह है कि उनके पास एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम कांग्रेस है, और हमारे पास एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो मुख्तलिफ धड़ों से मिलकर बनी थी और उसने एक नेशनलिज्म का नारा लगा के लोगों को इकट्ठा किया था। वो सब कुछ हो गया, इंडिया ने वो वाली बुनियाद को यूज़ करते हुए सीटो सेंटो जब हुआ तो वो एक मजबूत पोजीशन पे मौजूद थे, कांग्रेस वहाँ पे मौजूद थी तो वो स्टैंड ले सकते थे। हमारे यहाँ पे डिक्टेटर पावर में था, अब हम दे देते हैं इल्ज़ाम सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन सीटो सेंटो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साइन किया, वो एक डिक्टेटर ने साइन किया। मेरा नाम है शेरोज शामी, एडवोकेट। सही, माशाल्लाह एडवोकेट है। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते पे, लेकिन आज भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो आसपास के पड़ोसी मुल्क के साथ वैसे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रही जैसे दुनिया कर रही है। इवन पाकिस्तान अपनी करेंसी के अंदर एक भी ममालिक के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान की वैल्यू नहीं करेंसी की, या फिर पाकिस्तान पॉलिटिक्स की पॉलिसीज़ नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान में इतनी इंस्टेबिलिटी की वजह सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, सब चीज़ों में शुरू से रोल रहा है। अब जैसे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है शुरू से इन्वॉल्व रही है, आप देखें ना पड़ोसी मुल्कों से अपने आप को कंपेयर तो कर रहे हैं, पहले ये देखें कि पड़ोसी मुल्कों में कितने के जर्नेल इतने टाइम पीरियड के अंदर आए हैं, कितने के पॉलिटिशियंस आए हैं, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में आप देखें कितने, एक भी वज़ीर आज़म में हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकान है कि एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। तो फिर आप जब इन चीज़ों से आप पड़ोसी मुल्कों से अपने आप को कंपेयर कर दें तो फिर ये भी चीज़ें देखें ना, उधर एस्टेब्लिशमेंट का फौज का क्या रोल है और हमारे मुल्कों में फौज का क्या रोल है। आज की एक रिपोर्ट आई है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उन्होंने ईरान से, ईरान मुस्लिम कंट्री का और ईरान के हमारे साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे, अब ईरान से वो अपनी करेंसी के अंदर ऑयल ले रहे हैं, जहां रशिया से वो सस्ता ऑयल ले रहे थे अब ईरान से अपनी करेंसी के अंदर। क्या लगता है कि अगर हम उनकी करेंसी की बात करें क्या वैल्यूएबल है, क्या दुनिया के जितने भी ममालिक उनके साथ, अब भी 12 से 13 ममालिक उनके साथ करेंसी उनकी के ट्रेड कर रहे हैं, अब मुझे बताएं क्या उनकी वैल्यू है करेंसी की, या फिर उन पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, ऐसे है कि जो हुक्मरान अपने यानी कि फैसले नहीं ना कर सकते, जैसे कि हमारा प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ही कहता है कि बैगर कांट बी चूजर्स, सो वी आर यानी कि हम एक किस्म की सिचुएशन में नहीं है कि अपने फैसले खुद कर सके। हमारे जिन मुल्कों के फैसले उनके लोग खुद नहीं कर सकते वो फिर जाहिर सी बात है वो कलोनी बन जाते हैं, और बाहर से अमेरिका जैसे और बड़े ममालिक हमारे फैसले करते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट नहीं अपने फैसलों में और सारे फैसले हमारे बाहर से होके आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर्स यही हमें बताते हैं अपनी स्पीच के अंदर कि 75 साल से पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है। क्या आपको लगता है कि ये आज़ादी है हमारे लिए? फिर मेरे ख्याल से तो कभी भी नहीं हम आज़ाद हुए पाकिस्तान में, तो शुरू से जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है,
आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस देख लें, एक दिन आपका DGISPR या आर्मी चीफ जाके मुलाकात करता है और अगले दिन आपकी सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट रीलिस्ट हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब ओपनली तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन सबके सामने आ गए मुल्क में कौन चला रहा है और कौन नहीं चला रहा। एक आखिरी सवाल सर, SCO की मीटिंग जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम कंडक्ट करवाई जा रही है, SJ Shankar 15 फैसले अपने ले सकते हैं किसी भी मुल्क के तहत। अब मुझे बताएं उसके अंदर पाकिस्तान भी ऐड है, पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जो कि इंडिया जा चुके हैं SCO की मीटिंग के लिए। आप मुझे बताएं क्या लगता है कि आज दुनिया में उनकी कितनी रिस्पेक्ट होगी, G20 की मीटिंग, ग्रैंड 20 कंट्रीज उनके मुल्क में जाएंगी, SCO की मीटिंग जिसमें पाकिस्तान भी जा रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या इमेज कंडक्ट करवा दी है इंडिया की पॉलिटिक्स ने दुनिया के अंदर। बस ये पढ़ी लिखी बात है, किसी भी मुल्क में अगर असम्बलियाँ टूटती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब तक इलेक्शंस नहीं होते, अवामी राय नहीं ली जाती, तो जो मर्जी फैसले करे, तो उसमें जब अवाम को नहीं पूछना तो फिर किसी भी तरह से वो तो नहीं ना किया जा सकता। अब जैसे देख लें बिलावल भुट्टो जाके मिले, ठीक है, खुशाइंद है, मिलना चाहिए, भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें उनसे ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि हम क्या करें, हम तो अपने मुल्क में एक एशिया कप करवाने लगे थे तो इंडिया को नहीं हम इधर ला सके, तो हम अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट थोड़ी हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच वकील साहब। हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट पर। एक का वीडियो सामने आई है अयोध्या रेलवे स्टेशन की, जिसकी आज हम वीडियो दिखाने वाले हैं। पाकिस्तानी आवाम को काफी ज्यादा डेवलप्ड रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इस वक्त इंडिया का हर रेलवे स्टेशन जदीद से जदीद होता चला जा रहा है। अगर पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पर बजट नाफिज क्यों नहीं हो रहा, क्यों डेवलप नहीं हो रहे पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन, और जितनी तरक्की वहां पर इंडिया में रेलवे स्टेशन पर हो रही है, जितना बजट वहां पर लग रहा है, जितने जदीद हो रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लॉन्च हो रही है, वीडियो भी दिखाने वाले पाकिस्तानी आवाम को, जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है। ये वीडियो आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख सकते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं पाकिस्तानी आवाम की जानिब, जानते हैं उनसे उनके रिव्यूज, तब तक के लिए मेरे साथ हैं जी। जी बेहतरीन है, अच्छा बन रहा है। सर अच्छा तो बन रहा है, बट आप इसका अगर अंदर से इसका स्ट्रक्चर देखें कैसा लग रहा है आपको, और आपको क्या लग रहा है क्या कौन से मुल्क में है ये? मुझे भारत में ही लग रहा है। हाँ, भारत में ही है, सही पहचाना, मुझे लग रहा है आपने हिंदी से पहचाना। वैसे भी मैंने ये फिल्में देखी हुई है। अच्छा। क्योंकि ये भारत में जो ये ट्रेन चली है, मतलब तेज रफ्तार ट्रेन है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, उन्होंने अपने वसाइल से ये किए। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी बात है। सर उनके जगह जगह पर जो है वो स्टेशन हैं, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे एक तो जगह जगह पर स्टेशन नहीं है, दूसरा जो रेलवे स्टेशन है उसकी हालत आपके सामने है, क्या कहेंगे आप, क्यों यहाँ पर बजट नाफिज नहीं किया जा रहा रेलवे के निजाम पे? हालांकि कहते तो है कि इतना बजट, इतने करोड़ रुपए का बजट जो है वो लग रहा है, लेकिन हमें वहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा लगता वहाँ? ये नालायक लोगों के हाथ में जो अनाने की इकदार होती है तो ऐसे ही होता है, सौदों में कमीशन लिया जाता है, और फिर ये कि इस जो हमारी रेलवे लाइन है डबल तक तो हुई नहीं आज तक तो ये। और इसमें एक और बात है कि मालगाड़ियों को जानबूझ के रोका गया और ट्रांसपोर्ट जो है, ये जो हमारी ट्रेन हैं जो मुसाफिरों को लेके जाती हैं, उन्हें भी एक ख़ास माफिया ने रेलवे को तरक्की करने ही नहीं दी, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्ट के जो टाइकॉन्स हैं उन्होंने इतनी रिश्वत दी कि वो उन्होंने इस रेलवे के निज़ाम को तरक्की करने ही नहीं दी। और वैसे भी जो है ना, हम तरक्की जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो सिर्फ इस तरह से बनाते हैं कि जो बाहर से हम कर्ज वसूल करते हैं, कर्ज लेते हैं, उसमें से 10-15% लगाते हैं, बाकी हम खा जाते हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है ना, जब बन जाता है तो फिर हम मकरूज हो जाते हैं, कौम जो है वो दिवालिया की तरफ जाती है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये अपने मसाइल से हम कंपैरिजन करें वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अगर हम स्पेशली रेलवे के निज़ाम को ही टारगेट करें, आप क्या कहेंगे, आप किस तरह से उनका और हमारा अपना जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं? या इस तरह का जो मैंने आपको स्टेशन दिखाया है, कि इस तरह का स्टेशन आपको पाकिस्तान में कहीं देखने को मिला है? हालांकि इससे ज़्यादा डेवलप्ड रेलवे स्टेशन वहाँ पर मौजूद है, लेकिन दिखाने का मकसद कंपैरिजन है। यहाँ पे देखे ना, जंक्शन बहुत कम है, रेलवे जो है ना एक स्ट्रेट लाइन है कराची से लेके पेशावर तक, तो इतनी जरूरत। भारत का तो निज़ाम जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा निज़ाम है जो वहाँ रेलवे का, वहाँ पे लाखों पैसेंजर्स जो है रोज़ाना सफ़र करते हैं, बल्कि ज़्यादा ही करते होंगे, तो यहाँ पे वो इसलिए भी नहीं इम्प्लीमेंट हो सका कि जो पहले जो ये रेलवे लाइंस थी वो भी उखाड़ उखाड़ के जो है ना वो भट्टियों में पिघला पिघला के ख़त्म कर दिए। तो या तो एक ही लाइन है जो मैं समझता हूँ कराची से पेशावर, और जो एक सफारी ट्रेन चलती थी
वो भी बंद कर दी गई है जो खैबर में जाती थी, तो यहाँ पे तो इसको तरक्की करने देने की कोशिश ही नहीं की गई। जो भी आता रहा वहाँ पे तो देखे ना, भारत में उन्होंने ट्रेनों की तरक्की के लिए बहुत से काम किए, वहाँ तो मिट्टी के बर्तन तक लालू प्रसाद ने दिए कि ट्रेनों में सिर्फ मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल, ताकि वो लोकल जो एरिया जहाँ से ट्रेन गुजर के जाती है वो लोग जो है उनकी मईशत भी जो है ना स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे तो मईशत के मतलब तो और गरीब आदमी के मतलब तो सोचा ही नहीं जाता। यहाँ पे जो ये कि अपने सौदे कमीशन है और इस तरीके की, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में एक ये रेलवे का निज़ाम जो है इसे तरक्की देने की शदीद तरीन ज़रूरत है। हमारा तो सारा दारोमदार इस पर होता है, हमारे सारा जो अस्करी कार्गो है वो भी ट्रेनों पे ही जाता है, कार्गो ट्रेनों पे जाता है। तो ये तो यहाँ पे अगर नहीं डेवलप कर रहे, रेलवे की पटरियाँ टेढ़ी हुई हैं और बोगियाँ देख रहे हैं आती हैं चाइना से भी खरीदते हैं, तो वो ट्रैक ही उनका फ़र्क है, उनके फासलों में ही फ़र्क है, पहिए ही फ़र्क है कि वो यहाँ चल नहीं सकती। तो ये अच्छा, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो सियासी पार्टीज पे हम जो है वो इल्ज़ाम लगाने के, ये देखना चाहिए वो किया किसने। आपने ये बोला कि रेस स्टार्ट हुई, वो रेस में ही पहले थे, आगे थे, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। 80s तक हमें ये जब हम बुक्स में पढ़ते हैं बताया जाता है पाकिस्तान एशियन टाइगर था, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से GDP और ये सब कुछ बेहतर चल रहा था, इंडिया में गुर्बत थी। अब तब हमें याद नहीं था आ रहा कि वो रेस में हमारे से आगे थे, तब तो हम मतलब ये कहते थे वहाँ वॉशरूम नहीं है, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ गुर्बत बहुत है। आज हम ये कहते हैं कि वो रेस में आगे थे, तो मतलब नहीं नहीं रेस में आगे से मुराद ये थी कि जो आपने मुझसे सीटो सेंटो का सवाल किया ना कि सीटो सेंटो में इंडिया नहीं गया, हम गए। मैंने उसका जवाब दिया कि इंडिया के पास बार्गेनिंग पोजिशन थी इसलिए वो नहीं गए, हमारे पास वो बार्गेनिंग पोजीशन नहीं थी। दूसरा जब हम करते हैं कि जी 2000 हाँ के जी 9/11 हुआ, हम चले गए एक बाहर वाली फॉरेन वॉर का हिस्सा बन गए, तब भी बार्गेनिंग पोजीशन हमारे पास क्या थी? ठीक है, उस पर भी बहस हो सकती है कि थी, हमें थोड़ा कम कर लेना चाहिए था, लेकिन बार्गेनिंग पोजीशन नहीं थी। दूसरी बात ये कि इकोनॉमी की बुनियाद 1990s तक, ये बात बहुत पॉपुलर है कि जी इंडिया जो है वो 1990s तक पाकिस्तान और इंडिया बराबर थे, पाकिस्तान आगे जा रहा था, एशियन टाइगर थे, कहा ये जाता है। हाँ कहा यह जाता है, लेकिन बुनियादें हम नहीं देखते, हम भूल जाते हैं कि रूट्स क्या थी। हमारी इकोनॉमी की जो उस वक्त पोजीशन थी उसकी रूट्स ये थी कि हमें फॉरेन एड आ रही थी, आर्टिफिशियल एक हमने बबल क्रिएट किया हुआ था, वो बाद में बस्ट हो गया। इंडिया ने 1990s में IITs पे पैसा लगाया, आज वो IITs के जरिए लोगों को वो गूगल पे चेयरमैन जो CEO बन जाते हैं, जो एक पॉपुलर बात, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनी YouTube कह लें आप या माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सी ऐसी, बिल्कुल ऐसे। वो क्या होता है कि इकोनॉमी की जो पूरा सर्कल है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जब खड़ा होता है, तो हम जो होती है जो हमारी पुरानी ओल्ड इंस्टीट्यूशन होती हैं, जैसे फ्यूडलिज्म है, ये जो अजारादारी निज़ाम है, इसके ऊपर जब हम खड़े होते हैं, पाकिस्तान जागीरदारी निज़ाम से आज तक छुटकारा हासिल नहीं कर सका। उसके लिए भी ये है कि जी बार्गेनिंग पोजीशन शुरू में नहीं थी, इंडिया ने 1948 के अंदर ही उसको बैन लगा दिया, हम नहीं लगा सके, रिफॉर्म्स किए, बिल्कुल हम नहीं कर सके। तो हमारी इकोनॉमी की बुनियाद हमेशा क्या रही है कि जागीरों पर हमने पैसा कमा लिया, इन इन चीज़ों पर। उन्होंने 1990s में फैसला कर लिया कि अब हम ओल्ड इंस्टीट्यूशन पर रिलाई नहीं करेंगे, हम अब एंटरप्रेन्योरशिप को हम देंगे, हम उसको सराहेंगे, और हो गया। तो उसकी वजह से आज मेरे ख्याल से चेंज, तब भी पाकिस्तान कोई बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं था, ये सिर्फ पॉपुलर ओपिनियन बनाने के लिए 1980s में जो ज़िया ने हमारे यहाँ पे आगे एक्सट्रीमिज्म फैलाया उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारी बातें। एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिज्म? एक्सट्रीमिज्म, मैं तो उसको एक्सट्रीमिज्म ही कहूँगा, क्योंकि पंजाब के अंदर बैठे लोगों के लिए उसको इस्लामिज्म कहना आसान बात है, लेकिन हमारे भाई यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से भी बैठे हैं, इन्होंने उन चीज़ों का असल देखा है कि शिया सुन्नी जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो एक्सट्रीमिज्म फैलाया गया, इस्लामिज्म हरगिज नहीं फैलाया। बड़े नारे लगे हम उस जी करूंगा, ये जो इन्होंने आपने कहा ना कि हम एक आर्टिफिशियल बबल के अंदर थे और हमें फॉरेन एड्स आ रही थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ है कि जो हमने ये सुना है कि यूथ के जो दौर है वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, बिल्कुल थी, अच्छा ये बिल्कुल थी, लेकिन इस डेकेड ऑफ डेवलपमेंट्स के अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं लेटर ऑन पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, आप देखें ना जब यूथ का इरा ख़त्म होता है और भुट्टो का इरा स्टार्ट होता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरे हालात में चली जाती है, इसी वजह से हम देखते हैं। अच्छा ये क्यों ऐसा हुआ कि हम तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में थे तो एक सडन डिक्लाइन आता है, इसकी वजह क्या थी? तो मैं एकेडमी के लिए थोड़ा सा ये कहा जाता है वो 1971 में थोड़ी वार, वो सुने, मैं आपको एक आर्गूमेंट बिल्डअप करने दें, मैं इसको एकेडमिकली लिंक करूंगा। ये सैयद अकबर जैदी अपनी बुक में लिखता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, वो ये कहता है कि मसला ये था कि उस वक्त हम ग्रो कर रहे थे, लेकिन वो ग्रोथ किस चीज़ की थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी। अब हमने देखना है कि पाकिस्तान की जो जितनी भी पॉपुलेशन है
वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो बेस थी लैंड पे। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको हमने बिल्कुल साइड पे कर दिया और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको उठा दिया। अब उससे क्या हुआ कि एक रैपिड ग्रोथ आई। पहली बात हमने ये देखना कि रैपिड ग्रोथ आई कहाँ पे थी, आई कहाँ पे थी, नहीं नहीं आई कहाँ पे थी, वो आई थी तमाम सूबों के अंदर, खसूसन पंजाब के अंदर जो अर्बन एरियाज थे और हब थे, जैसे कि पंजाब लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद। अच्छा इन 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 सिटीज़ के अंदर आई। पीछे चले जाओ तो बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, ये लोग बहुत ऊपर चले गए। अब यहाँ से हमने देखा कि ये 20-22 खानदानों की जो इंडस्ट्रियल पावर आती है, ये इकोनॉमिक जाइंट बनते हैं, लेटर ऑन फिर जो है ना वो पावर के साथ अलाइन करते हैं और वो आज तक हमारी ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये बेसिकली वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट की भी एक काइंड ऑफ मिथ है। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है, ब्रेक लेते हैं अजान की वजह से, उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे अगर ये 5 मिनट दें, बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में। अभी जो आपने बात बताई है, अभी जो आपने फैसिलिटी बताई है जो भारत के लोगों को दी गई है, भारत के बाशिंदों को दी गई है, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रिजेस बनाए गए लेकिन वो भी अप टू डेट ब्रिजेस नहीं, वो भी लेटेस्ट ब्रिजेस नहीं। यहाँ पर सड़कें बनाई गई मगर बनी हुई सड़कों को तोड़ फोड़ कर दोबारा बनाया गया और उनकी हालत भी अब वैसी ही है। कोई जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे मुल्क में लॉन्च नहीं की गई, अगर हम ब्रिजेस की और सड़कों की भी बात करते हैं। फिर अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो इस वक्त सर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चल रही, ना हमारे रूट्स इस वक्त इलेक्ट्रिक है और जो ट्रेन हैं उनमें भी हादसा वगैरह होते हैं, उनकी भी सीट्स वगैरह, उनका भी जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो भी ना काबिले बर्दाश्त होता है। ऐसा क्यों है? और अगर हम वहाँ की बात करें तो इंडिया ने ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जापान को बीट कर दिया, उनकी जो वंदे भारत है उसने रिकॉर्ड कायम किया वहाँ पर ट्रेन का, उसके अलावा वहाँ पर बुलेट ट्रेन लॉन्च होने वाली है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में देखें ना इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली, उस वक्त चल गई लेकिन हम उसको चला ही नहीं सके, उसको चलाया ही नहीं जा सका। तो यहाँ पे तो आप कहते हैं ना सड़कें अच्छी भली तोड़ के दोबारा बनाते हैं, तो इसलिए कि वो उनकी कमीशन मिले। मैं एक आपको बड़ी मिसाल बताता हूँ, मरी में एक वजीर बल्दियात में उनके साथ था, मुझे साथ लेके गए वहाँ पे मरी में, हम एक जगह गया रेस्ट हाउस था बहुत बड़ा, तो उन्होंने वहाँ पे इंजीनियर को बुलाया, उन्होंने कहा जी इसकी छत पे सारी खपेल लगा दें। तो मैंने इंजीनियर का नहीं जी खपेल पे इतना लागत आ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा जी बात सुने मरी में होती है बर्फबारी, खपेल लगाएंगे तो वो तो सर्दियों में दोबारा सारी की सारी नीचे आ जाएगी, तो ये आप क्यों रहन दे साड़ी कमीशन से बनी थी। ये मतलब आप इससे एक अंदाजा कर लेगी यहाँ पे करप्शन जो है नीचे से ऊपर तक है जी। आप जहाँ पेट्रोल पंप पे चले जाए, आप सौदा सेल्फ खरीदने चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, आप तो ये कि हमें ये एहसास होता है कि ये जो सियासतदान तो करप्ट है ही है या और लोगों को जिन करप्ट कहते हैं, अब आवाम भी करप्ट हो चुकी है सारी। सर पहले हम सुनते थे कि अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी, रशिया में ये टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी, बड़े बड़े ममालिक में ये टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी। अब हम जब दिन ब दिन सुनते हैं कि भारत में ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है जिसने सारे ममालिक पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका जो है वो नाम आ रहा है, तो सर ये सब सुन के आपको कैसा लगता है? बिकॉज एशियन कंट्रीज तो दोनों ही है, पाकिस्तान और भारत, और पहले हम रहते भी इकट्ठे थे और ब्रेन्स तो दोनों के पास सेम है, तो क्या कहेंगे इस पर? ब्रेन्स जो दुनिया के चौथे नंबर की ब्रेन्स है वो भारत और पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास ज्यादा बेहतर जो है ना जो सर्वे है। सर लेकिन नजर नहीं आ रहे वो ब्रेन्स। वो इसलिए नहीं हुआ कि भारत में जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहे, वहाँ जो भी क्राइसिस है, इंदिरा गांधी कत्ल हुई, राजीव गांधी, अब देख लें वहाँ पे क्या हुआ, जैसे भी हुआ मतलब महात्मा गांधी तक तो जो है ना, और उसके साथ बड़े क्राइसिस सिखों का जो क्राइसिस, लेकिन यह कि उन्होंने जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखा। और हमारे यहाँ तो जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया गया, हमारे यहाँ जो कुछ इदारे थे उन्होंने खुद को ताकतवर तरीन कर लिया और जो जमहूरी इदारे थे उन्हें इंटरफेयर करते करते उन्हें जो है ना इस नहज पर पहुँचा दिया कि पाकिस्तान जो है ना वो तनजुली की तरफ जो है ना तनजुली का शिकार हुआ। एक आखिरी बात मैं कहूँगा कि जहाँ ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद कि संग खिश से होते नहीं जहाँ पैदा, आप इस कौम को फिक्र दें, पढ़ाएं लिखाएं तो फिर सब कुछ होगा। आपका नाम? जी मेरा नाम रियाज है जी। सर करते क्या हैं? जी मैं तो बेसिकली म्यूजिशियन हूँ और म्यूजिक टीचर हूँ मैं। माशाल्लाह बहुत खूब। सर बेसिकली आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के हालात के ऊपर, पाकिस्तान के इस टाइम हालात डिफॉल्ट की तरफ हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी ये क्लियर किया और अपनी स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। अगर हम बात करें इस टाइम की तो डिफ़ॉल्ट के रास्ते पर भी पाकिस्तानी हुक्मरान
आसपास की कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रहे। अगर हम बात करें सस्ती चीज़ों की तो दुनिया परचेज कर रही है, ले रही है, मगर पाकिस्तान नहीं ले रहा। वाई देखिए जी, मेरी नज़र में जो है ना, पाकिस्तान के जो हालात, मौशी हालात जो इस टाइम जा रहे हैं, वो नहायत ही जो है ना वो क्रिटिकल हैं। आम आदमी जो है ना वो महंगाई की चक्की में तो पिस रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका हल यह है कि इलेक्टेड हुकूमत आए। और मैं समझता हूँ कि इलेक्टेड हुकूमत में सिर्फ इसका हल जो है वो नून लीग के पास ही है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो उनको प्रॉपर मुल्क चलाने का एक तजर्बा है जो उनके पास है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो आएँ तो मुल्क के हालात, हमारी इकॉनमी जो है ना वो बेहतर होने की जो है वो हो सकती है। सही सर, एक और अहम सवाल, आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसने ईरान मुस्लिम कंट्री के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करना शुरू की है, ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया है, ऑयल लेना शुरू कर दिया। आप मुझे बताएं, ना सिर्फ ईरान बल्कि 12 से 13 मुल्क ऐसे हैं जो कि इंडियन करेंसी में उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, सर क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया के उनकी करेंसी के अंदर ट्रेड करने के? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि वहाँ पर तमाम जितनी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें इत्तेहाद है और इत्तेफाक है। मैं समझता हूँ कि यहाँ भी हो सकता है, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आए तो बहुत कामयाब लोग हैं उनके साथ जो कि मुल्क को जो है वो इस डूबती हुई कश्ती को जो है वो सतह साहिल पे ला सकते हैं। सर हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तानी बात करते हैं जो बीत गया है, जो आने वाला कल है, जो अभी है उस पर बात नहीं करते, क्यों? जो बीत गया जो आने वाला कल है उस पर लाजमी बात करेंगे, जो अभी है सर उस पर बात क्यों नहीं करते? आप भी वो बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, कुछ इमरान खान के आने हुए कल की बात करते हैं, सर जो अभी करंट है उस पर बात क्यों नहीं करते? उस करंट को हम सही होने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरा ख्याल है कि बात ये है कि जैसे मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मुझे पता है कि मैं जो भी काम करूँगा उस पर मुझे बूर है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक पोलिटिकल लीडर हैं, वो एक लीडर है, और वो मैं समझता हूँ कि जो जिसका काम उसको साझे। मैं आप सॉरी टू से आपको कट करूंगी, अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको कहा कि इंडिया ये कर रहा है, सर अभी उनकी जो करंट गवर्नमेंट है वो नरेंद्र मोदी की है, उससे पहले उनकी गवर्नमेंट कोई और थी, उससे पहले गवर्नमेंट कोई और थी, उससे पहले गवर्नमेंट कोई, सर ये तो नहीं है कि अब वहाँ के लोग ये तो नहीं कह रहे कि भाई पहले जो है, मतलब नेहरू आ जाए या कोई भी आ जाए, पहला हुक्मरान आ जाए, ऐसा तो नहीं है? जो गवर्नमेंट चल रही है वो ही अपनी पॉलिसीज को रीन्यू करके अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करे, सर फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं? देखिए जी, दुनिया के हालात जो है ना इस वक्त बदल रहे हैं, मल्टीमीडिया का दौर है। इसी तरह जो पहले गवर्नमेंट थी वो किसी और हिसाब से चलते थे, जाहिर है कि इकॉनमी और जो वो किसी और तरफ जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि हालात, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दुनिया बढ़ रही है, ठीक है ना, और दुनिया बढ़ती है जब, और फिर ये कि हालात और पैसा और वसाइल जो हैं उनको बुरे कार लाते हुए जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो फिर सोचती हैं। तो मेरा तो ये मौकफ है जी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकता है? क्या पाकिस्तान के करेंसी की वैल्यू है? अजी बिल्कुल, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान जो है ये माशाल्लाह पाकसर ज़मीन है, और हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारी करेंसी जो है वो एक ना एक दिन जो है ना वो बांग्लादेश और इंडिया से भी आगे की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। आगे थी लेकिन पाकिस्तान की ही कोताहियों की वजह से आज ये हालात आए हैं। 1960s की बात करें तो सर हम भी अच्छे भले थे, हमारी भी करेंसी की वैल्यू थी, इवन हमारा जो कहते हैं इकोनॉमी रेट जो था वो इंडिया के बराबर चलता था। सर आज हमारी खुद की गलतियों की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं, मानते हैं कि नहीं? नहीं देखिए, आपने कहा कि ये पाकिस्तान की गलती है, पाकिस्तान कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमारे जो पोलिटिकल जो कि नौसिखिए पोलिटिकल जो है ना जो बैठे हुए हैं अवानों में, ये उनकी वजह से हो सकता है। पाकिस्तान को चलाने वाले भी तो एक लीडर ही होता है ना, पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है अपने लीडर से। हम जैसे अब अपने अपने घर की बात करें तो हमारा घर रिप्रेजेंट करता है अपने फादर से, तो इसी तरह पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है एक लीडर से। मैं समझता हूँ कि लीडर जो है ना इस वक्त हमारे नज़दीक पंजाब में, वो शेर पंजाब जो है हमारा नवाज शरीफ साहब हैं, ठीक है ना, हम तो उनको लीडर मानते हैं, क्योंकि उनके दौर में बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी जा रही थी, आम आदमी जो है ना वो एक सुख का सांस ले रहा था, रोटी खा रहा था। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर जी। अजान की वजह से हमने ब्रेक ली और अभी वहीं से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पास्ट की बात कर रहे थे, हिस्ट्री, इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री की बात कर रहे थे। मुझे ये बताएं कहाँ पे जाके इंडिया ने ये सोचा कि अब हमने डेवलपमेंट की तरफ काम करना है, हमने जो उनसे अब जैसे आपने बोला IIT, तो उस टाइम पे हमारा क्या फोकस था, हमारा क्या विजन था, उनका क्या विजन था? अच्छा, मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके लिए कर दूं, क्योंकि आजकल मैं वही बात करता हूं ना कि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना आसान है,
लेकिन असल में उनकी जो रूट्स है ना उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। 1990s में आप जाएंगे इंडिया भी डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, उन्होंने इवन अपना हाँ बिल्कुल गोल्ड भी अपना उन्होंने उनको दे दिया था, तो उनमें मसाइल थे। ये क्या होता है कि जब आप क्रॉस रोड्स पे आते हो ना तभी इस तरह के डिसीजंस आते हैं कि क्या आपने आगे अब डेवलपमेंट करनी है या आपने अपने कंट्री को ख़त्म करना है, डिसॉल्व हो जाएगा, सारे इलाके अलग अलग हो जाएंगे। 1986 के अंदर वहाँ खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पे थी, वहाँ पे भी यही नारे लगते थे कि या हम अलग हो जाएंगे या हम हमारी डिवेलपमेंट का कुछ करें। क्रॉस रोड्स पे आए, आज हम भी उन्हीं क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, हम भी ये देख रहे हैं कि क्या या तो हमारा जो कंट्री है वो डिसॉल्व कर जाएगा, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा। हाँ वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है। हाँ क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, यहाँ डिसीजन लिया जा सकता है, और डिसीजन मैं किसी पार्टी के हक में बात नहीं करना चाहता कि जी फलां पार्टी इसका सोल्यूशन है या फलां पार्टी इसका सोल्यूशन, हम ही लोग हैं जो आज यहाँ पे बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि ये किसी पार्टी ने चेंज नहीं लाना, ये चेंज मैंने लाना है, ये चेंज इन्होंने लाना है, ये चेंज यूथ ने खास तौर पर लेके आना है। हम हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, पार्टीज को। अच्छा मैंने ये सवाल मेरा ये था कि जब वो IIT कर रहे के ऊपर उनका फोकस था, हमारे यहाँ पे क्या क्राइसिस चल रहे थे, हमारे यहाँ पे क्या विजन था जिसकी वजह से हम देखें नजर तो होती है ना, जैसे हमारी अभी इंडिया पे है, हमें पता है कि भाई इंडिया इस टाइम पांचवीं बड़ी इकॉनमी बन गया, हमें पता है वो अपनी मर्सिडीज बना रहा है, हमें पता है वो ऑयल रशिया से ऑयल लेके आगे यूरोप को वो बेच रहा है, ये सब पता है। हमने तब क्यों नहीं IITs पे या इस तरह यूनिवर्सिटीज पे फोकस किया, UET पे फोकस किया, और हमारे बहुत से इंस्टीट्यूट थे, क्यों नहीं फोकस किया? ये फोकस इसलिए नहीं किया, वही बात है कि वो उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स थी ना वो यही थी कि हम जो थे वो कुछ धड़ों को कुछ सपोर्ट करना चाहते थे, और उस वक्त हम ताज़ा अभी ज़ियाद ने जो हमारे यहाँ पे मुहाजिर कल्चर स्टार्ट किया था उसकी रिपरकशन देख रहे थे 1990s के अंदर। और फिर क्या हुआ, एक बहुत ही उम्दा बात यह है कि 1990s के अंदर आप 1990 से 2000 में देख लें कितनी हुकूमतें तब्दील की गई हैं, जब ऑलमोस्ट चार हुकूमतें जब की जाएँ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने लगे तो अगले 10 साल के लिए फिर मार्शल लॉ लग जाए, तो उस दौर के अंदर आप कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं कि हम IITs लगाएं, UET पे फोकस करें, इवन अपने हमने कोशिश की कि हम मेडिकल कॉलेजेस पे फोकस करेंगे, अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, और हमने किए भी, अभी हमने अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पे फोकस किया, लेकिन हमने अपना फ्यूचर का विजन नहीं देखा कि फ्यूचर की दुनिया IT की दुनिया, इंजीनियरिंग की दुनिया, हमने उस पर पैसा नहीं लगाया। लेकिन इसमें होपलेसनेस या पेसिमिज्म का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, हम अभी भी ये क्रॉस रोड्स पे खड़े ये फैसला कर सकते हैं। अच्छा आप इसके अंदर मुझे ये बताएं, मेरा यही सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि जब वो IITs पे या यूनिवर्सिटीज पे फोकस कर रहे थे उस टाइम हमारा फोकस कहीं ना कहीं जिहाद की तरफ था, अफगानिस्तान की तरफ था, या हम वार इन टेरर में घुसते जा? देखिए जी ये लगता नहीं, ये फैक्ट है, और ये अब पूरी दुनिया मानती है कि हमारी प्रायोरिटीज जो थी वो बहुत मुख्तलिफ थी। ये बात तो होगी, मैं एक्चुअली इनकी बात को ज़रा कैरी करूँगा कि मैं पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन ना लोग हिस्ट्री में भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं पाकिस्तान की सेम आज की सिचुएशन को एक और कंट्री के साथ ना थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूँ, फ्रांस के साथ। 3, 4, 5, 6 मसले कॉमन थे हमारे आज के और उनके फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। सबसे पहला मसला क्या था उनका कि वहाँ पर डेस्पोटिक हुकूमत थी, ठीक हो गया। दूसरा मसला ये था कि वहाँ पे 2-3% अशराफिया थी, रिलीजियस प्लस नोबिलिटी एंड एरिस्टोक्रेट्स, उन्होंने मिल के ना पाकिस्तान के मैक्सिमम रिसोर्सेज पे और पाकिस्तान फ्रांस की मैक्सिमम रिसोर्सेज पे और उनकी जो पॉलिटिकल सफेयर पे ना उन्होंने कब्जा किया हुआ था। आज इलीट कैप्चर कह रहे हैं, आज इलीट कैप्चर कह रहे हैं। दो मसले हो गए। तीसरा मसला ये था कि हमारी जो टैक्सेशन है उस वक्त वो लोग टैक्स नहीं देते थे जो लीड थे, बाकी सारे लोग टैक्स दे रहे थे। आज पाकिस्तान के अंदर भी ये मसला है। अच्छा लेकिन बहुत से जो एक्सपर्ट राइटर्स हैं, जैसे मैं 2-3 का नाम ले सकता हूँ, पॉल कैनेडी हो गया, डेविड थॉम्सन हो गए, ये राइटर ये एनालिसिस करते हैं कि अगर उस वक्त जो उनके आवाम थी, गरीब कॉमनर्स थे, जो आवाम गरीब थी, आम आवाम जो थी, जो 96-97% आवाम थी, आप हिसाब लगाएं, अगर उनके मुतालबे मान लिए जाते ऊपर वाली सरकार की तरफ से तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ना आता। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा आप मुतालबे क्या थे, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। मुतालबा ये था कि जी हम टैक्स दे रहे हैं, आप लोग भी दें। पहला मुतालबा, कमाने वाले हम हैं, ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कमा नहीं रहे, कमा कौन रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, आप काम रहे। अच्छा मेरी वजह से मुल्क चल रहा है ना, जब मेरी वजह से मुल्क चल रहा है तो पावर भी मुझे मिलनी चाहिए, यही आज की डिमांड। अच्छा अब करना क्या चाहिए कि पैसे मैं दे रहा हूँ तो शेयर काम करके मेरा काम करके अपना बढ़ाओ, पहला काम। दूसरा काम आपने क्या करना है कि पॉलिटिकल सफेयर के अंदर आपका शेयर मैक्सिमम है, मेरा है ही नहीं है, तो ये शेयर मुझे भी ट्रांसफ़र किया जाए ताकि काइंड ऑफ एक इक्विट एक
इक्वालिटी पैदा की जाए। अच्छा, ये चीज़ें अब ये राइटर ये एनालिसिस करते हैं कि अगर उस टाइम के अंदर ये काम हो जाते तो फिर क्या होना था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ना आता। हमारे मुल्क के अंदर भी जैसे उन्होंने कहा ना कि हमारी पॉलिटिकल प्योरिटीज़ नहीं थी, आज भी ये सारे काम पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर ही ये सारे होने हमारी वजह से हैं, लेकिन इनकी फाइनल स्टेज कौन सी है, पॉलिटिकल। लगता है यहाँ पे भी इंकलाब आने वाला है? आपको नहीं, नहीं इंकलाब पे बाद में जाता हूँ मैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा इंकलाब आए, लेकिन ये इंकलाब ही है जो आज हम बात कर रहे हैं। 1980s का बंदा अगर बैठे हो आप उस जनरेशन से बात करो, वो कभी ये बात भी नहीं खुल के कर सकते थे। अभी कुछ दिनों पहले री इमेजिनिंग पाकिस्तान ने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक सेमिनार करवाया, सेशन करवाया, उसके अंदर लोग उन्होंने बुलाए डिफरेंट अफेयर से, उन सब ने आके खुल्लम खुल्ला जिसे कहते हैं कि ओपनली ये बात की है कि ये मसाइल हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, आजकल ओपनली बात हो रही है। ये बात आज तक पिछले 20-30 साल पिछली जनरेशन बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये मैं एक बात करना चाह रहा था कि पहली बात तो हम ये समझ लें कि हर मुल्क की एक इंडिजिनस पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कल्चर होता है और उनकी एक बैक हिस्ट्री होती है प्लस रिलीजियस, ये चार पांच चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिन ममालिक के अंदर फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन, इवन चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो आए हैं, ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में इस टाइप का रेवोल्यूशन आए, ज़रूरी नहीं है। माशाल्लाह बेहतरीन है यार, ये शॉप ये किस शहर में? इंडिया में? हाँ, इंडिया में। बेहतरीन, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे अगर हम इस तरह ही रेलवे स्टेशन वगैरह की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, तो किस तरह से आप कंपैरिजन करना चाहेंगे? हाँ, पाकिस्तान में अब रेलवे स्टेशन कुछ बेहतर हुए हैं, कुछ कर रहे हैं वो बेहतर, लेकिन देखिए हमारा अंग्रेजों ने सारा सिस्टम छोड़ा हुआ था, उसको हमने डिवॉल्व नहीं कर सके, तो कम से कम हमें उसको संभाल लेना चाहिए था। दुख की बात यह कि हमने उसको संभाला ही नहीं, लेकिन अब फिर भी कुछ इमरान खान के दौर में जब वो रहे हैं कुछ 2-2.5 साल, उसमें थोड़ा वर्क हुआ। आपको पता है हमने कोरोना भी फेस किया, ये बहुत मामला हुए हैं। अब थोड़ी सी फिर भी जैसे कि रेमिड का आप स्टेशन देख लें या लाहौर वाले, तो अच्छे बेहतर बने हैं। अच्छा, कोरोना से अगर पहले की बात, अगर हम 75 सालों की बात करें, एक जो रेलवे स्टेशन वाला है, हमारा रेलवे स्टेशन जो वहां पर है, आपको क्या लगता है कि अगर हम उसकी बात करें उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है? देखिए, आपने बोला है कि अंग्रेजों ने दिया, तो अंग्रेजों का तो वहां पर इंडिया के पास भी जो इंडस्ट्रीज थी वो भी अंग्रेजों की देवी थी, यहां पर भी अंग्रेजों की देवी थी, फिर हम डेवलप क्यों नहीं कर सके? मैं वही बता रहा हूं कि उन लोगों में और हमें फर्क यह है कि हम उस चीज को संभाल तक नहीं सके जो हमें अंग्रेजों ने दी थी। सिंसियरिटी की कमी है, ऐसे ही होता है यार। और उनकी बात करें तो उन्होंने उस पर इन्वॉल्वमेंट भी की है, उन्होंने खर्च किया और अपनी पब्लिक को सहूलत देने। यहाँ मसला क्या कि पब्लिक से मोहब्बत नहीं है हमारे हुक्मरानों को, हमें सिर्फ और सिर्फ मसला ये कि हमें अच्छा हुक्मरान दरकार है। एक अच्छा हुक्मरान हमारे मुल्क को बहुत बदल सकता है, बहुत चीज़ें हमारे मुल्क में, क्या हमारे मुल्क में तेल नहीं निकल सकता, क्या हम खुद जहाज नहीं बना सकते, क्या हम रेलवे स्टेशन रेलवे वगैरह खुद। अब पाकिस्तान ने एक रेलवे बनाई, बड़ी प्यारी बनी है, लेकिन देखिए बहुत से ऐसे मामलात हैं कि हम पैसा लगाना नहीं चाहते, जो आता है वो खुद पैसा करता है। फिर पब्लिक ही भी देखे ना कि वो उनके जे मेच्योरिटी ये बन चुकी है कि यार उन्होंने छोटी चीज पे सफर करना है, अब बड़ी चीज का लायक नहीं खुद को समझते, और फिर हमारी चीजों की हिफाजत नहीं करते। आप अपना स्टैंड यहाँ पर रख दें, 10 मिनट बाद उसको अगर कोई छेड़ेगा नहीं तो तोड़ के जाएगा, उठाएगा नहीं। वजह क्या है कि हम नहीं है कि हमारी जो आवाम है वो बड़ी चीज पर सफर नहीं करना चाहती। अभी भी अगर आप देखें पाकिस्तान की अगर बात करें, तो यहाँ पर ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज्यादा लोग हैं, स्टेटस कॉन्शियस यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं। जब भी कोई महंगाई होती है दुकानों पर रश लग जाता है। एग्जैक्टली, तो फिर वो जो आटे की लाइन पर रश है वो किसका है? ये देखे ना पाकिस्तान में सवाल ये है कि अगर अब मैं आ रहा हूँ ना शोक खानम से, तो मैम शोक खानम से यहाँ तक आप कार्स काउंट नहीं कर सकते, इतनी तादाद है, आप यहाँ पर खड़े नहीं काउंट कर सकते, तो फिर वो आटे की लाइन में कौन से पाकिस्तानी है? या फिर ये पाकिस्तानी नहीं है या फिर वो पाकिस्तानी नहीं है, कुछ तो फर्क है। फर्क ये है कि हमारा मिडिल क्लास जो तबका है वो नीचे से नीचे जा रहा है, ऊपर वाले की तो बात ही नहीं कर रहे। ऊपर वाले के क्या, किसी का भाई बाहर बैठा हुआ है, किसी का चाचू बाहर है, किसी का अब्बू बाहर है, किसी के बाहर से कंपनी के साथ कोई लिंक्स है। मसला हमारे यहाँ पर है कि हम या अच्छा देखें, जो हमारे यहाँ पर कार्स में घूम रहे हैं वो भी बाहर के पैसे से घूम रहे हैं, पाकिस्तान के अपने कमाए हुए पैसों में से। कोई भी आप मुझे बता दें कि कौन तरक्की कर रहा है, मजदूर की वही 1200 दिहाड़ी, क्या 1200 में जहाँ पर आप 25,000 रुपए कमाए और 50,000 आपका बिल आ रहा है, आप क्या तरक्की करेंगे? पाकिस्तान के ग्राउंड फ्लोर के मसले नहीं हल हो रहे, तो हम क्या कंपेरिजन कर सकते हैं किसी का, किसी के साथ एयरपोर्ट का, कभी किसी के साथ रेलवे स्टेशन का? अभी कंपेरिजन हमारा नहीं बन रहा। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछूं, पाकिस्तान जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है बाहर,
उनसे भी मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने मुझे ये क्लियरली बोला कि हमने तो यहाँ पर पाकिस्तान में पैसे भिजवाना जो है वो बंद कर दिए हैं क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है हमारे पैसे सिक्योर हैं या नहीं सिक्योर हैं। तो जब इस तरह का आलम रहेगा और स्पेसिफिकली जो हम बात कर रहे हैं रेलवे के निज़ाम के ऊपर, आपको क्या लगता है कि 75 सालों में लेकर अब तक हम लोगों ने कौन सी ट्रेन जो है वो अपडेट की है, कौन से ट्रैक्स जो है वो अपडेट किए हैं, कौन सी फॉरन टेक्नोलॉजी जो है वो हमने ऐड की है? हमने ब्रिजेस बनाए, हमने सड़कें बनाई, मगर वो भी हमने उधार के पैसों पर बनाई। क्या पहली बात आपकी कोट करता हूँ कि वो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी गए हुए ना, उनके भी वादे पाकिस्तान से ऐसे जैसे हमारे सोल्ड कोड ऑफिसर की तरह ऑफिसर्स। आप समझ रहे हैं कि मैं किन को कहना चाह रहा हूँ? जिन्होंने हलफ लिया होगा ना कि हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, आपको नजर आ रहा है उन्होंने कैसी हिफाजत की, वैसे ही वो भी पाकिस्तान से ये कि हम बाहर जाएंगे पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे पाकिस्तान में बहुत बेहतरी होगी, तो किधर वो उनकी उगुल वतनी चलेगी? उन्होंने पैसा भेजा बंद कर दिया बिकॉज उनको कोई मतलब अब उनको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही कि वो अपने पैसे क्यों भेज। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका कोई भाई है एक मिसाल के आउट ऑफ कंट्री रहता है, दुबई रहता है, इंडिया रहता है, जर्मनी, ऑलैंड, जहाँ पर भी रहता है, वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज रहा है, तो उसको और क्या सेफ्टी चाहिए? सेफ्टी है ना, सब झूठ है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ ये है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं रही, उस कंट्री जो कंट्री नीचे की तरफ जा रही है उससे मोहब्बत किसको होगी? रहने वालों को नहीं है भाई, यहाँ पर जो रह रहे हैं वो जान छुड़ा। आप किसी रात को सोते हुए जो बाप गाली दे रहा होता है अमेरिका को, बच्चा कह रहा होता है याला सुना मुझे अमेरिका भेज, तो ये तो सूरत हाल हुई है हमारी जनरेशन 90% हमारी यूथ ये चाहती है कि बहुत अच्छी की है आउट ऑफ कंट्री जाने का, हमेशा हर किसी का ख्वाब होता है, इवन हमें जो टीचर्स भी पढ़ाते थे वो भी कहते थे। आपकी बात सॉरी टॉप इंडियंस को क्यों नहीं है, वो सिर्फ घूमने जाते हैं, कारोबार के लिए क्यों नहीं जा रहे? कारोबार के लिए भी जाते हैं बट उनको अप्रोच किया जाता है। देखिए ना, वो जाते नहीं, बुलाया जाता है, वो काबिल इतने हैं, सीईओ को बन रहे हैं, वो जाके कुत्ते नहीं धो रहे, वो जाके किसी की, मैं सच बता रहा हूँ यार, हमारे पाकिस्तानियों का मैं आपको बताता हूँ, पिज्जा डिलीवरी के ऊपर किसी को जॉब नहीं मिल रही, वो जाते कोई कंप्यूटर पे ऑफिसर लगा हुआ है, कोई पासपोर्ट बॉस में ऑफिसर लगा हुआ, कोई भाईजान आपका पुलिस ऑफिसर नजर आएगा। हमारे पाकिस्तानी आपको जी आज माशाल्लाह उसने $300 भेजे हैं कर कर, वो उतनी दाढ़ी कुत्तों को देते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो वाली कदर की हुई है। वो आप कोर्ट भी सामने आई थी जिसमें सऊदी में सबसे ज्यादा फांसी जिनको लगाएगी उनमें पाकिस्तानियों का नाम था, तो भाई कदर ही हमारी इतनी है, हम क्या करें, हमारे पीछे से हमारी ना कुछ सिक्योरिटी है ना श्योरिटी है, हम सेफ नहीं है, लेकिन हम बनेंगे इंशाल्लाह, यकीन जाने वक्त आएगा, हमें सिर्फ एक लीडर की यूथ हमारी बन चुकी है, 90% हमारी यूथ है, सिर्फ एक लीडर दरकार है, जिस दिन लीडर मिल गया तो आप उस यूथ में स्किल्स है। हाँ है ना यार, स्किल्स है तो पाकिस्तान में अगर हम मेरी बात मैं बात रोक रहा हूँ, आप में स्किल्स है तो आप इधर रोड पे 10 लोगों से इंटरव्यू कर लिए ना, आप में स्किल्स नहीं होती तो घर पे आप बैठी रहती। सेक्टर की बात कर रही हूँ, हम एक इंडिविजुअल का जो मवाजना है वो पूरी कौम के साथ नहीं, मैं तो मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं पाकिस्तान में तो आपको क्या लगता है, थ्योरीज तो पढ़ाई जाती है, नो डाउट पढ़ाई जाती है, क्या प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में क्या रिसर्च वर्क में भी उतना ही यहाँ पर फोकस किया जाता है? यार देखिए, आपका अगर सब्जेक्ट आपके परदादा के जमाने का हो तो क्या आप करेंगे, क्या आप अपनी नस्ल को आगे लेकर जाएंगे, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम। मैं यही तो कह रहा हूँ, लीडर मिल गया ना तो क्या यूथ पढ़ने वाली नहीं है? यूथ पढ़ने वाली है, लेकिन आप उसको और एजुकेशन पढ़ाएंगे तो उसमें उनका क्या कसूर है? आप उनको नए सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वो और डिवॉल्व करेंगे, ये जरा प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह हम का आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी हम बात करें पाकिस्तान की, फर्स्ट हम बात करेंगे पाकिस्तान अभी तक अपनी ट्रेड अपनी करेंसी के अंदर किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सका, उसके अलावा अगर हम बात करें डिफॉल्ट के रस्ते पर होने के बावजूद भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो आसपास के पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाए, क्या वजूहत है? मैडम सबसे पहले बात है कि हमारी हुकूमत है ना जो वो सब अपने बारे में सोचते हैं, अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, ये होना चाहिए कि अवाम है ना जो हम ये आते हैं 4-5 साल के लिए, अवाम को तरजीह देनी चाहिए, गरीब लोगों का सोचना चाहिए, ये इनको सिर्फ अपनी पड़ी है, अवानों की पड़ी है, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है मुल्क का हमारे का, बहुत ज़्यादा है ये, इनको चाहिए कि ये सिर्फ सिर्फ अवाम के खातर आते हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम की ही सोचें, ख्याल करें, बहुत बेचारों बहुत लोगों का बुरा हाल है। अभी अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो कि पहले रशिया से भी सस्ते दामों पर ऑयल ले रहा था, अब उसने ईरान से अपनी करेंसी के अंदर ऑयल लेना शुरू कर दिया। सर मुझे बताइएगा कि एक कंट्री जो कि अपनी करेंसी को यूज़ करते हुए किसी मुल्क के साथ ट्रेड करता है, 12 से 13 ममालिक के साथ इस टाइम इंडिया ट्रेड कर रहा है अपनी करेंसी के अंदर, क्या वजूहत हैं जो कि इंडिया की करेंसी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई बट पाकिस्तान की करेंसी नहीं हुई? वाई मैडम ये बात है ना कि हम जो हमारे हुक्मरान हैं ना वो एक हमारी 5 साल की गवर्नमेंट आती है,
पाँच साल हमें कोई हमारी हुकूमत पाँच साल कर ही नहीं पाते। ये एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ है, एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच, गंदा इल्ज़ाम लगा। इसमें नाअहली अमेरिका की है साजिश, इंडिया की है, रशिया की है, किसकी साजिश है जो कि हमारे पॉलिटिक्स कहते हैं कि उसकी तरफ से ऐसी साजिश आई तो पाकिस्तान डेवलप नहीं हो पा रहा? ये किसी की साजिश नहीं है, ये हमारे हमारे खुद की नाकामी है। ये एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तान ही एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं तो करता, मुझे किसी का नहीं पता। पर्सन पीपल ये डिमांड चाहते हैं कि प्रोविंस बने, लेकिन पाकिस्तान नहीं दे रहा है ये, क्योंकि देखें आपको नहीं लगता वहाँ से भी बगावत की कोई स्मेल आएगी जैसे बलोचिस्तान से आ रही है? और मैं तो बड़ी गहरी नज़र रखता हूँ, सेपरेशन की स्मेल आएगी, ये चीज़ें आएंगी या फिर आ रही हैं टाइम टू टाइम? देखिए, जब राइट्स नहीं दिए जाए ना, जब गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयर हो रही है अपने राइट्स से, जो है ना वो अवेयर हो रहे हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और उनके साथ क्या हो रहा है। अगर ये मजीद 5-20 साल 25 साल में कहूँ 10 साल तक भी अगर आप डिले कर रहे हो तो वहाँ पर भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट आएंगी, क्योंकि और आप देखें जब गिलगित बल्तिस्तान में सेसेशनिस्ट मूवमेंट आ गई तो आपके लिए बहुत मसले होंगे पाकिस्तान के लिए। देखें आपका पूरा सी पैक जो है वो गेटवे है गिलगित बल्तिस्तान, जब वहाँ पर अगर आपके हालात ख़राब हो गए तो आपकी तो पूरी इकोनॉमी बैठ सकती है, क्योंकि नारे लगाए जा रहे हैं कि जो है ना सी पैक गेम चेंजर है, गेम चेंजर है। तो भाई आप पहले ये चीज़ें, ये मसले ख़त्म करो, बलोचिस्तान में जो मसले हैं उनको ख़त्म करो, गिलगित बल्तिस्तान का जो मसला है उसको हल करो, ठीक है, फिर आप जो है सी पैक के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। रिसेंटली एक बात आ गई है कि हम जो है ना प्रोविजनल प्रोविंस देंगे गिलगित बल्तिस्तान को, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं इस मॉडल को, ठीक है। कुछ न मिलने से कुछ न कुछ मिल रहा है, ठीक है, वहाँ में एटलीस्ट हमारी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर, तो हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉलिटिकल मूव था वहाँ पर, क्योंकि जब ये मॉडल अनाउंस हुआ था उस वक्त वहाँ पर इलेक्शन होने वाले थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस, तो इमरान खान साहब आ गए और उन्होंने ये अनाउंस करके चले गए, लेकिन आज उनकी हुकूमत भी चली गई लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। यही चीज़ है, देखें गिलगित वालों की भी ओपिनियन देखी और उन्होंने बड़ी सिंपल सी डिमांड किया कि भाई या तो हमें कोई अपना, हमें पता चले कि हमारा कोई प्रोविंशियल स्टेटस है या फिर कोई भी, और दूसरे नंबर पे सी पैक को लेके जब अगर बात करें, एक साइड पे हम डिस्प्यूटेड एरिया कहते हैं और दूसरे साइड पे अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो उसके अंदर तो डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर आप कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, ये इंडिया का स्टांस है। बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने में आती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो इन भाई साहब ने बताई, और यही ग्वादर के, यही अपना गिलगित के लोग जब साथ में लद्दाख देखते हैं, वहां की डेवलपमेंट देखते हैं, कहीं ना कहीं माइंड में बात जरूर आती है। मुझे चाहिए, मेरे पाकिस्तानियों को चाहिए, मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए, अदारों को चाहिए कि अभी भी टाइम है, इसके ऊपर फोकस किया जाए। लाहौर के ऊपर जितना फोकस किया जा रहा है उतना ही गिलगित के ऊपर फोकस किया जाए, अदरवाइज बहुत परेशानी पैदा होगी, फिर हम किसी को गद्दार कहेंगे, फिर हम किसी को एजेंट कहेंगे, लेकिन उसका इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा। कौन सी स्टडीज कर रहे हैं? मैं बीबीए कर रहा हूं। चला, बिल्कुल सही। अच्छा मोहिम, मेरी आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें ईरान की या फिर सऊदी अरेबिया की या रशिया की, जिनसे हम ऑयल ले सकते हैं, अब अगर हम पाकिस्तान की फर्स्ट बात करें तो पाकिस्तान सस्ता ऑयल नहीं ले पा रहा, अभी नहीं, पहले भी नहीं। अब दूसरी जगह इंडिया को रखते हैं तो वो रशिया से बहुत तेज़ी से सस्ता ऑयल ले रहा था। अब दूसरा, आज जो एक रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ उन्होंने दिखाया है कि इंडिया अपनी करेंसी के अंदर ईरान से, मुस्लिम कंट्री से ट्रेड कर रहा है, ऑयल ले रहा है। अब मुझे बताएं कि कितने बेनिफिट्स हैं, कितना बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए अपनी करेंसी को यूज़ करके वो ईरान के साथ ट्रेड करें। असल में हम लोगों का जो कंट्री है ना, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपने यानी कि लोगों के साथ सीरियस नहीं है, यानी कि उनके साथ सिंसियर नहीं है उनको। तो देखें, आपने कहा गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, क्या फिर इंडियन गवर्नमेंट सीरियस है अपने मुल्क को लेकर? असल में हम लोगों के यानी कि टैक्स जो हमारी लोग हैं ना, वो सही तरीके से जो गवर्नमेंट है वो टैक्स उनसे नहीं ले रही, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी कि मुझे लगता है कि टैक्स पे कर रहे हैं, आप एक माचिस की डिब्बी भी लेते हो उस पर भी टैक्स जा रहा है, लेकिन ये है कि गरीब से अच्छा भला टैक्स, जो लोग टैक्स जिनसे लेना है ज़्यादा उनसे टैक्स प्रॉपर उनसे नहीं लिया जा रहा। ये मानने में आ रहा है कि जिनसे लेना चाहिए उनसे लिया नहीं जा रहा, लेकिन क्या वजूहत हैं कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पर काम नहीं कर रही, बनाती है या नहीं बनाती? वो भी पॉलिसीज बनाती है लेकिन उसके पर अमल नहीं होता, इसलिए उसकी वजह एक तो ये हो सकती है यानी कि इक्वालिटी नहीं है मुल्क के अंदर। अगर ऐसे जैसे गरीब है, अगर अमीर है, उसके अंदर कोई इक्वालिटी नहीं है। अगर गरीब के लिए हम लोगों का अलग लॉ है, अमीर के लिए एक अलग लॉ है। हाँ जी,
अगर अभी की बात करें तो इंडिया एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके अंदर G20 की मीटिंग और SCO की मीटिंग हो रही है जिसमें से पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो भी जा चुके हैं। मुझे बताइएगा कि कितनी बड़ी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, दुनिया में कितना बड़ा नाम हो गया कि पाकिस्तान भी आज इंडिया में जा रहा है, कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनका कितना बड़ा नाम हो गया इस टाइम। हाँ जी, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि उनका एक अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है वर्ल्ड के अंदर। पाकिस्तान का एक यानी कि दहशतगर्दी जब से हुई है पाकिस्तान का, उसका बुरा इम्पैक्ट गया है। तो जैसे आप जो भी अगर गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट का जब पर्सन आते हैं वो सीरियस होते हैं तो उसको यानी कि गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है। क्या आपको लगता है कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलव्वस है या नहीं? पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान नहीं है मुलव्वस, मैं तो कहता हूँ। लेकिन अभी हम देखें तो पूंछ अटैक जो कि इंडिया के अंदर हुआ उस पर भी उन्होंने कहा, साबित किया कि पाकिस्तान मुलव्वस था, और इस पर उन्होंने कहा कि हम नहीं मिलेंगे पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो से। फिर क्या लगता है कि जो चीज़ें बाहर से हमें रियलिटी बेस दिखाई जाती है कि वो गलत है पाकिस्तान के बारे में दिखाई जाती है? इंडिया असल में इंडिया पैसे पेड करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है ताकि पाकिस्तान में यानी कि बुरा इम्पैक्ट दिया पाकिस्तान का। इंडिया को पाकिस्तान से आज भी क्या लेना, वो तो इतनी बड़ी मौशियत बन गई, उसको क्या लेना देना पाकिस्तान से? आपको ये नहीं मतलब थोड़ा सा अगर हम ब्रॉड माइंड होकर सोचें तो आज एक मुल्क जो डिफॉल्ट के रस्ते पर, दूसरा मुल्क एक पाँचवीं बड़ी मौशियत बन चुका है, उसको क्या लेना देना दूसरे छोटे मुल्क से? वो तो ऑलरेडी डूब रहा है। बस वो असल में पाकिस्तान का यानी कि एक किस्म का यानी पाकिस्तान को खत्म बिल्कुल करना चाहता है इंडिया। करना चाहता है। आपका कहना यह है कि आज तक इंडिया ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया? ऐसे हाँ जी, बिल्कुल सही। इस बात का जवाब हमारे व्यूअर्स देंगे कमेंट्स लाजमी पड़ जाएगा। थैंक यू सो मच।